हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। नान खटाई बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज का रेसिपी मेरा आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल मैदा, उसके मेजरमेंट के हिसाब से आधा बाउल बेसन, आधा बाउल सूजी, आधा बाउल पिसी हुई चीनी, आधा बाउल घी, यह शुद्ध घी है। उसके साथ में मैंने यहाँ पे बटर लिया है और दूध लिया है। नान खटाई बनाने के लिए पहले एक बाउल लेंगे। उस बाउल में ये देसी घी जो हमने लिया था ये ले लेंगे। उसमें हम यहाँ पे ये बटर डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम ये पिसी हुई चीनी आधा कप, आधा बाउल जो हमने लिया था वो हम डालेंगे। पिसी हुई चीनी डालकर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और कम से कम 5-10 मिनट तक इसको इसी तरीके से ऐसे फेंटते हुए इसको मिक्स करेंगे और ये जो बटर है वो भी धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा और एक फ्लफी सा टेक्सचर हमको इसमें दिखाई देगा। तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए, मिक्स करते करते पूरा व्हाइट दिखने लगेगा, थोड़ा हल्का हल्का फ्लफी जैसा दिखने लगेगा। तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर इसको फिर से अच्छे से इसको मिलाएंगे। इसको बहुत अच्छे से हम फेंटेंगे। फेंटने के बाद देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाता है। और इसमें अब हम मिलाएंगे एक बाउल मैदा, आधा बाउल सूजी, आधा बाउल बेसन और इन सबको अब हम चम्मच से पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें अगर दूध की जरूरत पड़ेगी तो हम 2-3 टेबलस्पून ऊपर से दूध डालेंगे इसको एक बाइंडिंग टेक्सचर देने के लिए। अब इसको हम अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये अगर हम ऐसे बाइंडिंग करते हैं तो ये इस तरीके से बाइंड होता है लेकिन ये टूट जाता है, इसीलिए हम इसमें अब 2-3 टेबलस्पून दूध मिलाएंगे। और फिर से इसको बाइंड करेंगे। अब ये बाइंडिंग अच्छे से हो रहा है। देखिए ये इस तरीके से अब ये बाइंड हो रहा है। इसको इस तरीके से हम नान खटाई को बनाएंगे कि ये कहीं से टूटे नहीं, एकदम गोल, सॉफ्ट गोल बनके रेडी हो जाएगा गोला। फिर इसको हम हल्के हाथों से इस तरीके से इसको दबाएंगे। इस तरीके से ये बनके रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा।
बाइंडिंग। अब इसको हम अच्छे से हल्के हाथों से ऐसे दबाते हुए एक शेप देंगे, और इस तरीके से अगर साइड साइड से हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये जब हम बेक करेंगे तब ये थोड़ा थोड़ा सा क्रैक भी होगा। इस तरीके से हम बना के रखेंगे। इस तरीके से हम बना बना के नान खटाई रखते जाएंगे। अब इस तरीके से हमने ये 5 नान खटाई बना ली है। नान खटाई बनाने के बाद हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, जिसमें थोड़ा सा घी से हम इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम ये नान खटाई को एक एक करके हम नान खटाई को इस तरीके से थोड़ी दूर दूर पे रखेंगे। क्योंकि ये बेक होने के बाद फूलती है, और थोड़ी थोड़ी जगह नहीं रखने से ये आपस में चिपक जाएंगी। अब इसमें हम इस चाकू की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का कट लगा लेंगे। हल्का हल्का सब में कट लगा लेंगे। और ये मैंने कुछ आलमंड्स लिए थे, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हम रख के इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रिल ओवन में 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये हमने ग्रिल ओवन ले लिया है, इसमें इसको हम 5 मिनट के लिए प्रीहीट किए थे। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए सेट करेंगे, 10 से 15 मिनट तक सेट करेंगे और इसको 200 पे रखेंगे, और हम लोग इसको अब बेक होने के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, हमारा देखिए नान खटाई बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से बन गया है। अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए हमारा नान खटाई और ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ऊपर से डार्क थोड़ा हो गया है, नीचे से भी डार्क हो गया है। ये देखिए हमारी नान खटाई बन के रेडी है। ये इस तरीके से आगे से और पीछे से दोनों तरीके से हल्का हल्का ब्राउन हो चुकी है, और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको हम अब सजाएंगे इस प्लेट पे। देखिए ये हमारी नान खटाई बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।